तो ट्रेड में आपको पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सफाई कितने प्रकार की होती है या हाउसकीपिंग के दो प्रकार क्या है। अब सफाई कितने प्रकार की होती है उसको हाउसकीपिंग के दो प्रकार क्या हैं? तो हाउसकीपिंग के दो प्रकार, टू टाइप्स ऑफ हाउसकीपिंग जो है वो देखिए, एक तो घरेलू हाउसकीपिंग दो प्रकार की होती है, एक तो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है, कॉलेज है, कोई मॉल है, शॉपिंग मॉल है, एयरपोर्ट है, वहां की जो सफाई है वो क्या है, वो संस्थागत सफाई है। और एक है घरेलू। अब आप कहते हैं वहां पे कि कच्ची सफाई और पक्की सफाई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप सिंपल उत्तर देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप शामिल किया है। आप कहते हैं कि सर एक तो इंस्टीट्यूशनल हाउसकीपिंग होता है, दूसरा जो हम घरों में सफाई करते हैं वो घरेलू सफाई होती है, वाणिज्यिक आवास संस्थागत हाउसकीपिंग रख रखाव वह है जो वाणिज्यिक आवास भवनों जैसे होटल रिसोर्ट और सराय में किया जाता है, या जिसको हम कहें कि कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जितना भी है वहां पर सफाई किया जाए। और घरेलू सफाई आप समझ सकते हैं, घरेलू सफाई कौन सी है जो हम घरों में करते हैं डेंटिस्ट में, उसकी जानकारी कहाँ से लेवें, कैसे लेवें, क्या पूछा जाएगा। अभी पूछा गया कि दो ऐसी मशीनों के नाम बताइए जिनसे सफाई की जाती है, तो हमारे साथी जो है वो इधर उधर देखने लगते हैं, जबकि मशीन एक तो सामने है आपके वैक्यूम क्लीनर, दूसरा जो है आपको जो कपड़ा दिखाया जा रहा है कि मोपिंग क्लॉथ जो है, पोचे का कपड़ा जो होता है उसका नाप क्या होता है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लीनिंग मटेरियल के बारे में पूछा जाता है, सफाई कर्मचारी का टेस्ट जो है उसमें क्या पूछा आपको जाएगा, क्या आपको बताना है, कैसे बताना है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये सब इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं। और कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, कि सभी ट्रेड का एक ही सॉल्यूशन गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। डेमो वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर बहुत सारे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो उसके लिए आप जाइए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ पर आपको स्टोर में जाएंगे तो वहाँ आपको जो भी फोर्स की आप भर्ती देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेड के आपको सिलेबस आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं, देखिए इसको कि ये कौन सा झाड़ू है, बैम्बू झाड़ू है, इसको कहा गया है, जनरली इसको बोला जाता है सीख झाड़ू, इस सीख से बना है इसलिए ये है सीख झाड़ू। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, तो जो कच्चा ग्राउंड है, कच्चे फर्श पर इसका इस्तेमाल होगा, या जो गीला फर्श है उस पर इसका इस्तेमाल होगा। जनरली क्या होता है कि कच्चे फर्श पर जो बैम्बू झाड़ू जो होता है वो वाला बैम्बू झाड़ू होता है, उसके पीछे बैम्बू लगा होता है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। ये है सीख झाड़ू, ये नारियल कोकोनट लीव ब्लूम, नारियल झाड़ू, नारियल की पत्तियों से बनी हुई झाड़ू जो है उसको नारियल झाड़ू कहा गया है। ये जो पक्का फर्श है उस पर इस्तेमाल की जाती है, ऐसा आपको पूछ लिया जाता है जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है, तो कुछ झाड़ू वहाँ रखी होती है और आपको ये नहीं कहा जाता कि कौन सा झाड़ू उठाना है, आपको कहा जाएगा कि रूम में सफाई करनी है। अब कौन सा झाड़ू आपको उठाना है ये आपको तय करना है। अब ये देखिए, ये है मोपिंग क्लॉथ। अब मोपिंग क्लॉथ का माप क्या है, मोपिंग क्लॉथ का माप है ये 25 इंच × 25 इंच आप बोल सकते हैं, या 2 फिट × 2 फिट भी आप बोल सकते हैं। ऐसा ही एक कपड़ा होता है डस्टिंग क्लॉथ, तो डस्टिंग क्लॉथ जो है उसकी माप क्या होती है, उसकी 1/1 की होती है। यदि आपको पूछा जाए कॉन्फिडेंस से आप ये बता दीजिए, वो नाप कर नहीं देखेंगे, एक साधारण माप है उसकी। ये क्या है, यदि आपको मशीन दिखाई जाए या आपको पिक दिखाया जाए तो क्या है, ये वैक्यूम क्लीनर है। ये यहाँ पर इसके अंदर एक बैग होता है, यहाँ से पूरा सक्शन करके इस बैग में कचरा चला जाता है और उस कचरे उस बैग को निकाल कर खाली कर दिया जाता है। ये वैक्यूम क्लीनर का काम है कि जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचती है वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर। अब इसका मुख्य रूप से कहाँ सफाई होती है, देखिए कालीन की सफाई करनी है तो इससे सफाई होगी, सोफा की सफाई करनी है तो इसकी सफाई होगी, कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं जो ऐसा डेडिकेट इक्विपमेंट्स जहाँ पर झाड़ू से साफ नहीं हो सकता, कार की सीट
आपको साफ करनी है, कार को अंदर से साफ करना है, उसके लिए छोटे हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर भी आते हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन में। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन सभी ट्रेड का एक ही सॉल्यूशन कि हमारे जो साथी ट्रेड्समैन की भर्ती की तैयारी करते हैं उनको ट्रेड क्वेश्चंस, ट्रेड में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब रिटन एग्जाम में भी कुछ कोर्सेज ऐसी हैं जिनमें ट्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ट्रेड टेस्ट होता है तब क्या पूछा जाता है, इसकी जानकारी नहीं होती। और उसी के लिए हमने तैयार किया गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सफाई कर्मचारी के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए तैयार किया है कि सफाई कर्मचारी में आपको क्या पूछा जा सकता है, सफाई कर्मचारी का मुख्य रूप से काम क्या है। तो देखिए, सफाई कर्मचारी एक्चुअली होटल इंडस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर उसे सफाई कर्मचारी नहीं कहा जाता, उसे हाउसकीपिंग असिस्टेंट कहा जाता है। हाउसकीपिंग में अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, पदनाम होते हैं। सफाई कर्मचारी का जो काम है या सफाई का जो काम है उसे होटल इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग सर्विस कहा जाता है। अब हाउसकीपिंग में लॉन्ड्री भी हाउसकीपिंग में आ जाता है, लेकिन हम जब भर्तियों की बात करते हैं वहां पर क्या होता है कि धोबी का जो काम है वो अलग आता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मिक्स आ जाते हैं कि आपको धोबी का और जो धोबी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए, अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है वो भी आपको बता दूं। अब ये देखिए, लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा कम की जा सकती है, ये क्वेश्चन एक्चुअली धोबी का क्वेश्चन है। सफाई कर्मचारी में भी पूछा जा सकता है ऊर्जा कम की जा सकती है, तो आपको किचन स्टाफ के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर कि यहां पर देखिए, संभव वाष्प तापमान का उपयोग करके, न्यूनतम संभव वाष्प तापमान, उपकरण का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करें यदि संभव हो, मरम्मत तथा लीकेज वाल्व की पहचान करना। तो यहां पर अपना उत्तर होगा ए तथा सी, दोनों आंसर हो जाएगा। ये कुछ